शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 20 दिसंबर 2020 को जेल वार्डन के एग्जाम के प्रथम पाली का मैथ का सॉल्यूशन हम सभी देखेंगे, जो कि पेपर में आप सभी को दिखा दूं जो मेरे पास है, और इसका सॉल्यूशन आप सभी आज इस वीडियो में देखेंगे। जो कि आपको क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना है। तो बिल्कुल आप देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। आप इसको मान लीजिए 100%, यानी जो भी वो उसका वेतन है उसको मान लीजिएगा 100%, और पहले उस वेतन में 50% की बढ़ोतरी होती है ना, ये बढ़ता है, तो इसका मतलब कि जब 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 150, और उसके बाद 54% घट जाता है। तो अब बताइए 50 बढ़ा और उसके बाद से इसका 54 घट गया, तो अब बताइए कि 150 का 54 घटा, इसका मतलब हो कि कितना है, क्या केवल 46% हुआ ना, तो 100 में से 54 घटा तो उतना कम कर दीजिए, इतना हो जाएगा 46%। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 से 2 बार में 10 और 5 से 3 बार में 15, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 69। अब बताइए कि 100 था पहले आपको उसका वेतन कितना था 100, और उससे घट के अब कितना हो गया 69 हो गया ना, कितने की कमी हुई, यहाँ से अंतर ले लेंगे तो आएगा 31 का, तो यही प्रतिशत में बोलेंगे कितने की 31% की। और देखिए यहाँ पर 31% की वृद्धि और कमी दोनों दिया गया है ना, तो अब 100 से अब देख रहे कमी हुई है ना, तो कमी हो रही है इसका मतलब 31% की कमी, जो कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजक का मान कितना है। ठीक है, अभी आपको व्यंजक दिया गया है और इसको सॉल्व करके ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 पावर कितना 3 दिया हुआ है, और जो यहाँ पे स्क्वायर रूट में यहाँ पर चीजें आती हैं उस पर पावर ये हट, देखिए जैसे मान यहाँ पे 2 है तो 2 पावर 2 रखें, इसका 2 का स्क्वायर, लेकिन अगर यही चीज कर्णी में रखी गई है तो इस पर घात 1/2 आता है, अगर यही बात यहाँ पे कर्णी में लिखी गई तो इस पे पावर 1/3 आएगा, यहाँ पे 5 है तो इस पे पावर 1/5 आएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आप आगे देखिएगा, यहाँ से समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 पावर 3 आ जाएगा, अब यहाँ पे ये अंडर रूट हटेगा तो इस पूरे पर पावर आएगा 1/2। अब देखिए किसी संख्या पे उसके पावर का पावर हो तो उसका गुणा हो जाता है, जैसे आप लोग आप 9th में आपको लॉगरिथम में पढ़े होंगे कि x पे पावर m हो और इसका पावर n हो तो x पे पावर m इंटू n हो जाता है, तो ठीक उसी रूल के अकॉर्डिंग आप यहां से देखेंगे इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 3 पावर 3/2, ये केवल इतने की वैल्यू हो गई। अच्छा, इस पर भी पावर क्या दिया है 3 दिया है, तो अब इस पूरे पे पावर क्या आएगा 1/3 आएगा, अब पुनः 3 पावर 3/2 और इसका पावर है 1/3, तो फिर इन दोनों पावर का गुणा हो जाएगा ना, तो गुणा होगा तो क्या होगा 3 पावर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो अब बताइए वृत्त में ये होती है इसकी त्रिज्या, रेडियस होता है, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चूंकि इसकी त्रिज्या आर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर होती है, और यही त्रिज्या यहाँ पर क्या दिया गया है पी यूनिट है, तो आर के जगह पे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पी हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे त्रिज्या का मान होता है तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यही क्षेत्रफल यहाँ पर बस आपसे निकालना है, और यही चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया पाई पी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आपको वृत्त का क्षेत्रफल ही है, केवल त्रिज्या के जगह पे चूंकि इसमें रेडियस आर, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आर होता है और उस आर को यहाँ पर पी माना गया है तो यहाँ पर आर के जगह पे पी हो जाएगा, तो पाई पी स्क्वायर वन यूनिट इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ, देखिए एक अगला क्वेश्चन है,
कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार इतना केजी है यानी 67.2 केजी है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो अब बताइए यहाँ पर 6 लोगों का औसत भार दिया गया कितना 65 केजी, तो इनके कुल भारों का योग निकालेंगे तो औसत में इसके संख्या से औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो कुल आपको कुल भार आ जाएगा। तो कुल भार आपको निकालेंगे तो कुल भार आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 65 गुणा डायरेक्ट 6 कर दीजिए, कुल भार आ गया कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से यहाँ देखिए 5 लोगों का यानी 5 लोगों का औसत भार कितना है तो 67.2 यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, 35 और 1, 36 और 5, 30 और 3, 33 हो जाएगा 36 हो गया। अब इसमें से आप घटा दीजिए तो 10 में से 6 4 और यहाँ पे 8 में से 3 5 हो जाएगा, कितना आया 54 के, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और यहाँ पर देखेंगे तो 6 व्यक्ति में से क्या है टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति का और 5 व्यक्ति आए तो घटाएंगे तो यही एक व्यक्ति का जो छठा व्यक्ति है वह एक व्यक्ति जो छठा व्यक्ति है उसका आ जाएगा 54 की। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। तो आप जानते हैं कि औसत गति यानी कि एवरेज चाल, इसका औसत गति एवरेज चाल बराबर कुल चला गया समय कुल चली गई दूरी और कुल लगा हुआ समय होता है एवरेज। तो अब तय यहाँ पर कुल कितना इसने दूरी तय किया है तो पहले हो जाएगा 6625 किलोमीटर का पहले दूरी चला है और फिर इसके बाद से 40 मिनट कितना 824 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की है तो प्लस 824 किलोमीटर की दूरी और कुल लगा हुआ समय कितना है तो 2 घंटा 20 मिनट का समय उसने पहले लिया और देखिए 40 मिनट का समय फिर लिया तो 2 घंटा 20 मिनट और 40 मिनट मिलकर के 60 मिनट 1 घंटा और हो गया ना तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 घंटा हो गया टोटल। और देखिए इसमें से टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 2 4 और 8 6 14 यानी कि 7449 हो गया। अब इसमें 3 घंटे से भाग देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा 2 से यानी 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा यहाँ पे 4 12 हो जाएगा और इसके बाद से 2 बचा 3 बटे 24 हो जाएगा 3 3 9 यानी टोटल कितना आया 2483 और ये क्या है किलोमीटर ये क्या है घंटा तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ये इसका सही जवाब होगा। इसी प्रकार से नीचे एक अगला क्वेश्चन है देखिएगा इनमें से कौन मिश्रित संख्या है तो मिश्रित का मतलब होता है मतलब मिश्र भिन्न के रूप में लिखा गया है तो आप सभी जानते हैं 2/3 इसे क्या है साधारण भिन्न के रूप में है 7/2 इधर क्या है साधारण भिन्न के रूप में है 5/8 क्या है साधारण भिन्न के रूप में है और यहाँ क्या है मिश्रित भिन्न के रूप में क्या है 2/3/4 इसका मतलब कि 2 क्या है पूर्णांक संख्या के रूप में दिया गया है और अगला क्या है भिन्न संख्या भी है तो यह क्या है इसी को बोलते हैं मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न के रूप में यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सही जवाब होगा। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x + 3y = 0 और 4x + ky = 10 में असीमित रूप से कई समाधान हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन का है यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसके 3 कंडीशन होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कई समाधान है इसका मतलब अनेक हल हो सकते हैं तो इसके लिए ये वाला कंडीशन सही होता है यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के क्या इस समीकरण से। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि कोई हल नहीं है तो ये आपको ये वाला तीसरा आपका विकल्प यानी कि ये आपका इसका कंडीशन होगा मतलब आपको देखिए यहाँ पे समझा रहा हूँ
जैसे इसमें कहा है अनेक हल है, यानी कि ऐसे समझिए कि ए वन अपन ए टू, ये माने कोई गेट बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर भी एक रास्ता। तो अब कहने का मतलब क्या है, अनेक हल है, यानी आपके पास कई रास्ते, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। आपको दिमाग में याद करने के लिए बता रहा हूँ केवल इसको, इसका मतलब कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपके पास इसका क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अनेक हल है तो इस कंडीशन से साफ करेंगे। दूसरा, अगर पूछा जाए कि क्या होगा, उसका अद्वितीय हल है, यानी कि क्या है, यूनिक होगा, कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आप घर से निकले और वह गेट क्या नॉट टेबल, मतलब गेट क्या हो गया, बंद हो गया, तो क्या आप आगे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वहीं से आपको वापस लौटना पड़े, तो कोई हल नहीं है, तब इस कंडीशन से साल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि इसके क्या है, तो ये हो जाएगा कि अद्वितीय हल है, कोई अद्वितीय हल है ये, और दूसरा अनेक हल है, तो ये, और कहेगा कि इसके जो है कोई हल नहीं है, अगर कहेगा कोई हल नहीं है तब ये वाला, क्यों, क्योंकि जैसे क्या हुआ, पहला गेट से आपने एंट्री किया खुला था, आप आगे चले गए, आगे जा करके देखे तो गेट आके आपका बंद हो गया, तो जब गेट बंद हो गया इसका मतलब क्या होगा, तब तक पता चला कि पीछे से आपके बहुत सारे लोग भी तो आ गए होंगे वहां तक, तो वहां तक पहुंचे तो पीछे क्या लगे, जाम लग गई, और पीछे वापस यहाँ से नहीं जा सकते, तो आपके पास कोई हल नहीं है, यानी अब क्या होना, आपको ट्रैफिक में इंतजार करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कई समाधान है, मतलब अनेक हल है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ये इससे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और प्लस सी वन से तुलना करेंगे, तो सी वन के जगह पे क्या होगा 5, बी वन के जगह पे 3 और ए वन के जगह पे 2 होगा, तो यहाँ पर, और उसके बाद से इस वाले पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, तो ए टू की जगह पे 4, बी टू की जगह पे 3 और सी टू की जगह पे ये होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए ये वाला कंडीशन लेकर के सॉल्व करिए, तो यहाँ पर बी वन, तो बी वन की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अपन बी टू, यानी बी टू की जगह पे के, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, और सी वन की जगह पे क्या हो जाएगा 5 और सी टू की जगह पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको 5 से 2 बार में आपका 10 होगा, और की यहाँ आएगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तिरियक गुणा, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और के में यहाँ पर एक बार में डिवाइड करते क्या हो जाएगा की, तो के की वैल्यू क्या आया 6। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए गलत क्वेश्चन है कि यदि माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है योग का अर्थ है विभाजन यानी कि भाग, और भाग का अर्थ है घटाव, तो निम्न व्यंजक का मान है, ये आपको व्यंजक दिया गया है और ऑप्शन आपको दिया गया कि कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसका प्रयोग करके लगाना है, यानी कि यहाँ पर गुणा दिया है कि इस व्यंजक में आपको चेंज करना है, गुणा का क्या है योग से, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा 40 और गुणा है, गुणा का मान क्या है योग है, तो यहाँ पर योग कर दीजिए, इसके बाद से क्या है 12 लिख लीजिएगा, अब क्या है प्लस का अर्थ क्या है विभाजन से, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा 3, माइनस के जगह पे क्या है माइनस का अर्थ है गुणा से, यहाँ पर रख लीजिए गुणा, इसके बाद से क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से भाग का अर्थ किससे घटाव से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कितनी बार हो जाएगा 4 टाइम, और 4 बचा, 4 में 6 का गुणा होगा 6 × 4 = 24 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब, और यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 और प्लस कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचा है माइनस में 60, तो 64 में से 60 घटा दे, क्या बचेगा 4, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कि अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। देखिए दो चीजें दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया कि हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि, और दूसरा विकल्प दिया गया कि हर साल वेतन में 40% की वृद्धि हो। अब बताइए यहाँ पर 3 माह में तिमाही में वृद्धि होगा ना, तो एक साल में 3-4 तिमाही पड़ेंगे, तो अब बताइए अगर इसका वेतन 100 रुपया है तो पहले साल 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 2 × 0 = 2 110 हो जाएगा, इसमें मान लीजिए 10% की वृद्धि होगी तो 2 × 0 = 2 कैंसिल कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है, एक साल हो गया,
एक तिमाही हो गया, दूसरा तिमाही हो गया, अच्छा तीसरा में जा करके, तो तीसरा 19 में 10% की वृद्धि होगी ना, तो 0 से 0 यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331, और एक अंक के बाद 10 में 133.1 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, और चौथे वर्ष इसमें भी आपको फिर 10% की वृद्धि ना, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ से 11 का गुणा करेंगे तो 11 का 11 और 33 और 1 34 और 33 और 3 ये हो जाएगा 36 और 11 11 और 3 आपका 14, इसका मतलब 146.41 आ गया ना। अब बताइए उसके बाद से दूसरा कह रहा है हर साल 40% की वृद्धि, तो अगर इसका 100 मानेंगे तो 40% निकालने तो कितना आ जाएगा 140, और इससे कितना आया 146 आया, तो कौन सा अधिक है, पहले वाले से अधिक आ रहा है ना, इसका मतलब पहला वाला विकल्प सही है। कि किसी व्यक्ति को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, पहला वाला विकल्प चुनना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए बेहतर होगा यानी लाभप्रद होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि इनके सिक्कों की संख्या क्या है, पूर्णांक वजन में क्या है, समान है, यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए और यहाँ पर लिख लीजिए बी। ए के पास कितना ग्राम वाला, 63 ग्राम वाला, और बी के पास कितना, 77 ग्राम वाला। तो अब बताइए इस पूर्णांकों में क्या रहा है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो अब बताइए जिस प्रकार से इसका क्या ले लेंगे, मौसा ले लेंगे, तो मौसा यहाँ पे क्या आएगा, इस 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 7 से इस सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा, और इसके 7 से लेंगे तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगा। और पूछा है कि बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, तो कम से कम कितने सिक्के हो सकते हैं, 11 और इस 9 को दोनों को जोड़ दीजिए, कम से कम कितने होंगे, 20 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर ये वर्ष दिया गया है और यहाँ पर शहर ए की जनसंख्या, यानी उस वर्ष में ए की जनसंख्या क्या रही और शहर बी की जनसंख्या क्या रही, ठीक है, और कहा गया है कि निम्न में से किस वर्ष में शहर बी की जनसंख्या की तुलना में शहर ए की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा बी का किस वर्ष में है, यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक 59 है 63 है 64 है 75 है 82 है, सबसे अधिक 82 का है, और इसी तुलना में ए की जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे अधिक, यहाँ 45 अधिक 50 50 अधिक 54 54 अधिक 62 62 अधिक 70, तो ये कौन सा वर्ष है, 82 से सबसे अधिक ए की जनसंख्या कहाँ है, 70 ए में है, और किस वर्ष है, तो 2010 में, यानी इसको बस देख के आंसर लगाना है, 2010 वाला क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है, संख्या कौन सी है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिएगा मान लीजिएगा संख्या कोई x है, करें उसका 3 गुण है तो 3x हो जाएगा, करें उस संख्या के 50%, उस संख्या का 50% कितना हो जाएगा, भाई 50% करेंगे यानी क्या हो जाएगा, 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, के 4 गुना, तो इसमें 4 का गुना कर दे मिलाने पर, तो मिला दीजिए जोड़ दीजिए, मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक है, तो संख्या x है उससे 200 अधिक है, तो प्लस 200 जोड़ दीजिए, बस बिल्कुल आसान है, देखिए 2 से 2 दूना 4, देखिए 2x और 3x मिलकर के कितना 5x, और ये x आएगा तो -x हो जाएगा, उधर क्या बचेगा केवल 200, यानी कि 4x, यानी कि x इक्वल टू 5 में से घटेगा 4, 4 से भाग दे 4 बचे 20 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितनी है 1/50, बी वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 विशिष्ट 2 अंकी संख्याओं का औसत की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या की रिवर्स ऑर्डर में नकल की जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 3.6, वास्तविक औसत से कितना 3.6 कम था, संख्या के अंकों का अंतर क्या है। अब बताइए कि 20 संख्याएं हैं और 20 संख्याओं के औसत में कितने की कमी आ रही है, 3.6 की, इसका मतलब कि 3.6 सभी संख्याओं में ना,
तो 20 संख्याएं हैं, तो 20 संख्याओं का अगर औसत में कितने की 3/6 की, तो इसका मतलब कि टोटल व अंकों में कितना का कमी होगा। टोटल अंकों में तो 20 का गुणा कर देंगे तो एक अंक के बाद 10 × 36 × 72, यानी इसका मतलब कि अंकों में कहा जाएगा तो कितने का कमी होगा, 72 अंकों का कमी होगा, जिसके कारण से 20 है तो औसत में कितने को 3/6 की कमी होगी। तो अब बताइए, यानी 72 अंक का अंतर आ रहा है और कह रहा है कि संख्या के अंकों में अंतर क्या है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि अगर हम दो अंक की संख्या मानते हैं तो क्या होता है, 10x + y मानते हैं, और कह रहे हैं कि उसके रिवर्स अंक में, अगर रिवर्स अंक मानेंगे तो इसके रिवर्स मतलब क्या हो, उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा क्या, अगर इसको अंकों को पलट दिया जाए तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तब 10y + x हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 10x + y और माइनस का गुणा करेंगे तो -y - x, ये x 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, और 10y में से 1y माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, 9y बचेगा। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x - y हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो दो अंकों की संख्या और रिवर्स में लिखने से जो संख्या बनती है उसका जो अंतर होता है वो हमेशा किससे विभाज्य होता है, उस 9 का फैक्टर होता है, 9 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार से अगर योग पूछा जाएगा तो वो करेंगे 10x + y और प्लस, अगर रिवर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 1x यहाँ पे, 10x यहाँ पे, यानी कि 11x हो जाएगा, और प्लस 10y और 1y क्या हो जाएगा, 11y हो जाएगा। तो जो योग होता है वो किससे, यानी कि दो संख्याओं को कोई एक संख्या लिखा जाए और पुनः उसको रिवर्स में लिखा जाए तो दोनों का जो योग होगा वो 11 से विभाज्य होता है और जो अंतर होता है वो 9 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर अंकों का क्या है, अंतर पूछा गया है, तो अंतर है कितना, 72 का, ये किससे विभाज्य होता है, 9 से, तो 9 × 8 = 72, अंतर कितना आएगा, 8 आएगा, जो इसका सही जवाब होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन है कि 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की आधी थी, वर्तमान में सचिन की उम्र कितनी है। तो यहाँ दो बातें यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा वर्तमान, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 5 साल पहले ना, तो मान लीजिए 5 साल पहले इसकी उम्र x वर्ष थी, वर्तमान में, तो 5 साल पहले x है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, अभी 5 साल पहले का है तो आज का वर्तमान का x + 5, कह रहा है कि x + 5, फिर दिया हुआ कि 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद, तो अब इसका 10 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, इसमें जो 10 जोड़ेंगे यानी 10 साल बाद लिखेंगे तो आज का है x + 5 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद का हो जाएगा x + 15। 10 साल बाद होने वाली उम्र की आधी थी, यानी 5 साल पहले इसकी उम्र जो है 10 साल बाद की उम्र की क्या, ये आधी है, यानी कि x = कितना, x + 15 की आधी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2x और x इधर आएगा तो -x और इधर क्या बचेगा, केवल 15, तो यहाँ पे घटेगा तो x = क्या हो जाएगा, 15। इसका मतलब कि 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, 15 वर्ष थी, तो वर्तमान में इसकी उम्र से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इनमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता, यानी किसको जो है जोड़ने से ये क्या होगा, समलंब यानी समांतर चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। तो अब बताइए इसमें से साफ आपको दिख रहा है कि दो वृत्त, क्या दो वृत्तों को अगर जोड़ा जाए तो क्या समांतर चतुर्भुज बनेगा, नहीं होगा, तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब देखिए इसमें से क्या है, दो समलंब, आप देखिए यहाँ पर समलंब चतुर्भुज अगर बनाए तो ऐसे बनेगा आपको, ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा। अच्छा इसी को पलट दिया जाए तो आपको इस प्रकार से हो सकता है, फिर इस प्रकार से हो सकता है, फिर तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आपको देखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की स्थिति बन जा रही है, दो समलंब को जोड़ा जाए तो। उसके अलावा ये हो सकता है, इसके अलावा दो समांतर चतुर्भुज, यह जब समांतर चतुर्भुज पूछ ही रहा है समांतर चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला ऐसे समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा, तो यहाँ भी बन सकता है,
दो त्रिकोण, जैसे मान लीजिए एक ऐसे त्रिभुज जोड़ दें और एक आपका ऐसे त्रिभुज उल्टा त्रिभुज जोड़ दें, तो इसको जोड़ेंगे तभी एक आपका समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। तो किससे नहीं होगा? वृत्त से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, इस क्वेश्चन के कारण ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो को आप लोगों ने देखा, अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ आपको अच्छे से मैं सॉल्यूशन आपको दे पा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और भी अपने मित्रों के साथ आप शेयर किया करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक मित्र आप सभी अपने मित्रों को जोड़िए, ताकि और भी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं तेज़ी से आप कमेंट में, अगर किसी विषय पर आप बेहतर वीडियो चाहते हैं तो उसको आप कमेंट में लिखा भी कीजिए, ताकि उस पर मैं और भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूं और आपके समक्ष लाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।